हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज कोस्टलाइन पोर्ट्स और वाटरवे, जो इंपॉर्टेंट वाटरवे सिस्टम है इंडिया का, उस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ज्योग्राफी में, वो मैं आज के आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक आउटलाइन आपको पहले बता देता हूँ। जो इंडिया कोस्टलाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 7517 किलोमीटर का है, और ये इंक्लूडिंग जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है हमारा अरेबी बे ऑफ बंगाल में, उसका कोस्टलाइन इंक्लूड करके, और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है अरेबियन सी में, उसका कोस्ट लाइन इंक्लूड करके। सिर्फ मेन लैंड की अगर आप बात करें तो वो अप्रॉक्सिमेटली 6100 किलोमीटर के आसपास आता है। और तो देखिए, जो पोर्ट्स हैं इंडिया के, पोर्ट्स जो मेजर पोर्ट्स हैं, पहला जो है उसका मैं आउटलाइन आपको बता देता हूँ। कांडला गुजरात में पड़ता है, और मुंबई जो महाराष्ट्र है वहां पर एक मुंबई पोर्ट है, और जवाहरलाल नेहरू जिसको नवसेवा बोलते हैं, और उसी तरह गोवा में जो पोर्ट है उसको मुर्मुगांव बोलते हैं, और मैंगलोर में पोर्ट है, और केरला के कोच्चीन में एक पोर्ट है, उसी तरह तमिलनाडु के टूटीकोरीन में एक मेजर पोर्ट है, और जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, उनमें से ये बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु का दूसरा पोर्ट जो है चेन्नई और इन्नोर, देखिए इन्नोर जो है वो बाद में बनाया गया चेन्नई का ट्रैफिक हैंडलिंग करने के लिए, तो चेन्नई का पोर्ट थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट है, और जो कोलकाता का पोर्ट है, जो कोलकाता हल्दिया का है, वो ओल्डेस्ट पोर्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बनाया था। पारादीप पड़ता है उड़ीसा में, जो पारादीप पोर्ट है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पोर्ट है, और यहाँ पर शिप ब्रेकिंग यार्ड भी है, और अलंग भी एक शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। तो ये कोस्टल इंडिया देख रहे हैं, पेनिनसुलर इंडिया, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुलर रीजन है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हार्बर और पोर्ट में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। जो हार्बर होता है, हार्बर पे शिप को रखा जाता है, शिप या बोट को रखा जाता है, उसे स्टोर किया जाता है, और स्टॉर्मी वेदर वगैरह से इसे बचाने के लिए यहाँ पर शिप को रखा जाता है, और उसे फ्यूचर यूज के लिए रखा जाता है। तो और जो पोर्ट होता है, पोर्ट का एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि पोर्ट पे जो इनलोड और जो लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं वो फैसिलिटी होती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस पोर्ट और हार्बर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज कोस्टलाइन इन टोटल, तो टोटल कोस्टलाइन जो इंडिया का है कितने स्टेट्स से के पास है। तो देखिए, इसको क्लासिफाई करते हैं वेस्ट और ईस्ट रीजन में। तो जो वेस्ट रीजन का पोर्ट है वो पड़ता है गुजरात और महाराष्ट्र, फिर गोवा और कर्नाटका और केरला। तो ये जो पांच स्टेट्स हैं ये वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, और जो ईस्टर्न कोस्ट पे है, जैसे वेस्ट बंगाल है, फिर उड़ीसा आता है, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश है, और फिर तमिलनाडु। तो ये चार जो है ईस्टर्न साइड में, तो टोटल मिलाकर 9 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोस्ट लाइन हैज लीस्ट डिस्टेंस इन विच स्टेट, सबसे छोटा स्टेट जो है वो है गोवा। तो आप यहाँ से इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, गोवा जो है सबसे छोटा कोस्ट लाइन है। नवसेवा पोर्ट इज इन विच स्टेट, तो जो नवसेवा पोर्ट है वो लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड आर्टिफिशियल पोर्ट है, और इसे मुंबई का ट्रैफिक हैंडलिंग करने के लिए इसे बनाया गया है। तो ये मुंबई के पास में है, तो ये जो स्टेट होगा ये महाराष्ट्र इसका ऑप्शन। और नवसेवा का दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो इसका अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किसे बोलते हैं, तो नवसेवा है, और वो लोकेटेड है महाराष्ट्र में। तो फेमस पोर्ट ऑफ गुजरात इज, तो गुजरात में मैंने अभी अभी आपको मैप के थ्रू बताया कि गुजरात में एक फेमस पोर्ट जो है वो है कांडला पोर्ट, और कांडला पोर्ट जो है 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये प्रेजेंटली लार्जेस्ट जो है कार्गो का हैंडलिंग इस पोर्ट से किया जाता है। तो हाईएस्ट ट्रैफिक इस पोर्ट पे है प्रेजेंटली, जो वॉल्यूम वाइज है, और जो लार्जेस्ट प्रॉफिट है सारे पोर्ट को के मुकाबले इस पोर्ट का ज्यादा है, और यहाँ से जो साल्ट है या टेक्सटाइल है, पेट्रोलियम है, स्टील है, आयरन, इन सबको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो कार्गो के टर्म में सबसे बड़ा पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोर्ट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो कई जगह मैंने ये पढ़ा है कि चेन्नई के पोर्ट को ओल्डेस्ट पोर्ट कहते हैं, तो ये गलत आंसर है। चेन्नई पोर्ट आप बिल्कुल नहीं मारेंगे आंसर। जो सबसे पुराना पोर्ट है वो बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कोलकाता में, और वैसे तो कहते हैं जो कोच्ची का जो पोर्ट है वो सबसे पुराना, क्योंकि वास्को डगामा वहां पे आए थे, पर जस्ट शिप का जो ट्रांसपोर्टेशन और जो शिपिंग के लिए जब काम आने लग गया, तो कोलकाता पोर्ट जो है इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट कहलाता है। और तो सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट जो है वो कोलकाता का पोर्ट है, और यहाँ से हैंडल किया जाता है जो गुड्स जो है ऑस्ट्रेलिया से या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से। और तो जूट का जो ट्रांसपोर्ट है या जूट का जो ट्रेडिंग है वो इंडिया में सबसे फेमस जो है कोलकाता पोर्ट से किया जाता है। इसको हल्दिया पोर्ट भी बोलते हैं, हल्दिया के पास में। तो डीपेस्ट पोर्ट इज लोकेटेड एट, तो सबसे डीपेस्ट जो है वो है ईस्टर्न कोस्ट पे। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ज्यादा डीप है वेस्टर्न कोस्ट के मुकाबले। तो जाहिर सी बात है विशाखापट्टनम जो है ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, और सबसे डीपेस्ट पोर्ट भी है ये।
और इसे 1933 में इनॉग्रेट किया गया था लॉर्ड विलिंगडन WILLINGDON लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज, तो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट इंडिया का जो है वो है मुंबई, और मुंबई जो है 1/5 ट्रैफिक जो इंडिया का है वो हैंडल करता है, और यहाँ से पेट्रोलियम और लिक्विड केमिकल्स, क्रूड ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, टबैको, मशीनरी, ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। और जो मुंबई है वो लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है। तो नेचुरल हार्बर दो तरह के हार्बर होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो नेचुरल हार्बर जो है वो लार्जेस्ट जो है वो है मुंबई का। और अभी भी मैंने बताया जो हल्दिया जो कांडला पोर्ट है वो कार्गो वाइज जो वॉल्यूम जो कार्गो का जो डिस्पैच किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है, वो सबसे ज्यादा हैंडलिंग करता है कांडला पोर्ट। तो नेशनल वाटर हाईवे 2 इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट विच ऑपरेट्स बिटवीन, तो इंडिया में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 14,500 किलोमीटर जो है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और जो सबसे बड़ा है जिसको NW1 नेशनल वाटर हाईवे 1 कहते हैं वो है हल्दिया टू इलाहाबाद, और इसकी जो दूरी है वो है 1620 किलोमीटर। तो आप नोट्स में इसे लिख रहे हैं, जो नेशनल वाटर हाईवे 1 है हल्दिया जो कि उत्तर वेस्ट बंगाल में पड़ता है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये गंगा नदी के ऊपर सिचुएटेड है। जो सेकेंड नेशनल हाईवे है NW2 वो है डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, डिब्रूगढ़ और ईस्टर्न पार्ट में, असम की ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, और धुबरी वो भी असम में पड़ता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है डिब्रूगढ़ टू डुबरी ये बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डिब्रूगढ़ टू डुबरी, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 891 किलोमीटर। और उसी तरीके से जो तीसरा नेशनल वाटर हाईवे वो कोल्लम केरला में टू कोट्टापुरम, वो भी केरला में पड़ता है, और कुल लंबाई जो इसकी है वो मोर देन 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और जो चौथा है वो भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है गोदावरी नदी के ऊपर, और पांचवा जो है तलचर टू धर्म, तो धम्र, तो ये जो है इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर के बीच में। और तो ये कुछ पांच नेशनल वाटर हाईवे आपको पता होना चाहिए, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पोर्ट इज फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस, तो मसालों को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट फेमस है, तो वो पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड कोच्ची। तो कोच्ची कोस्ट जो है मसाले और टी, स्पाइसेस, कॉफी, तो इन सब चीजों के लिए फेमस है। अरेबियन सी जो है इंडिया का इस तरफ पड़ता है, तो इस तरफ लोकेटेड है कोच्ची। और उसी तरीके से जो विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो हुआ था 1933 में, तो और शिप ब्रेकिंग यार्ड भी यहाँ पर है। चेन्नई पोर्ट जो है थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट है ये इंडिया का, और जो चेन्नई पोर्ट के बारे में जो बात है वो 1881 में एस्टैब्लिश किया गया था, और ये पड़ता है तमिलनाडु में। और चेन्नई के बगल में इन्नोर पोर्ट भी है, तो इन्नोर पोर्ट जो है हैंडल करने के लिए बनाया गया है, जो यहाँ का ट्रैफिक है सब बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको हैंडल करने के लिए इन्नोर पोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जो कि कोरोमंडल कोस्ट के अलॉन्ग, तो इस तरफ जो कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है हमारा, और 24 किलोमीटर अवे है चेन्नई से। और तकरीबन 16 मिलियन टन कोल जो है इन्नोर पोर्ट हैंडल करता है, तो तमिलनाडु सरकार के लिए जो कोल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। न्यूएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज, तो सबसे नया पोर्ट जो है 13th पोर्ट वो है पोर्ट ब्लेयर, तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और वहां पर जो पोर्ट है वो 13th मेजर पोर्ट जो है इंडिया का उसमें से शुमार है। जो पारादीप पोर्ट है वो उड़ीसा में है, और जो डेप्थ है इसकी काफी ज्यादा सैलो है, जो गहराई की बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो बड़े बड़े कंटेनर हैं या शिप्स हैं वो यहाँ पर हैंडल की जा सकती हैं, बल्कि शिप्स भी। और आयरन ओर जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, आयरन ओर, कोल, तो ये सब मेजर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। आयरन ओर जो है जापान को एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, पारादीप से जापान। और सबसे ज्यादा जो आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है वो है मरमगांव, जो कि गोवा में है, मरमगांव पोर्ट, और जो 1963 में इसको मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर लाया गया था। और जो मेजर पोर्ट्स है उसका जो देखभाल भारत सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। उसी तरह टूटीकुरिन पोर्ट जो है ऑफिशियली वीओ चिदंबरम के नाम से जाना जाता है, वीओ चिदंबरम पोर्ट, तो ये नाम आप लिख ले, वीओ चिदंबरम पोर्ट, ये तमिल लीडर थे और उनके नाम पर इसे विलप्पन उलंगनाथन चिदंबरम पोर्ट इसे इसका नाम दिया जाता है। तो
तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगले सेशन में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा अलग अलग टॉपिक से। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस।